मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज साल 2023 से 2024 का बजट पेश किया। इस बजट पर अर्थज्ञ शिवानी दानी ने प्रतिक्रिया साझा करते हुए कहा कि शिंदे सरकार द्वारा इस बजट के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता को राहत देने का प्रयास किया गया है। साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने इस बजट के जरिए महिलाओं और किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की है। इसके साथ ही मेहान के लिए कई भी बजट में बड़ी निधि की घोषणा की गई है। बहुत सालों बाद किसी स्टेट गवर्नमेंट का बजट इतना पावरफुल और इतना ताकतवर होगा, इसका कभी किसी ने सोचा नहीं था। जो आज देवेंद्र जी फडणवीस इन्होंने प्रेजेंट किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला ये बजट है। हालांकि उन्होंने पंचसूत्र दिए हैं, पंचामृत दिया है, लेकिन उसमें का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला जो पॉइंट उन्होंने बताया है, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर हमारे महाराष्ट्र में गतिविधियाँ होगी, बहुत बड़े पैमाने पर पायाभूत सुविधाओं पर फोकस होगा, निस्संदेह उससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, उससे रोजगार निर्मित होगी। और कभी भी किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्पेंड होता है तो अर्थव्यवस्था को रेवेन्यू रिसीट्स की तरफ ले जाता है। तो दीर्घावधि का एक विजनरी बजट ये है जिसका हर एक महाराष्ट्रियन स्वागत करता है। देखिए, यूजुअली बजट में हमारे लिए क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, यूजुअली इसके बारे में देखा जाता है। लेकिन चूंकि मैं अर्थशास्त्र की विद्यार्थी नहीं हूँ, तो मैं ये भली भांति जानती हूँ कि पैसा कहाँ खर्च होता है, किस तरीके से खर्च होता है, खर्चा होने की क्वालिटी क्या है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पर बहुत बड़ा फोकस है। नागपुर मेट्रो को सेकंड फेज के लिए पैसा दिया है, नागपुर के अलग अलग विद्यापीठों को पैसा दिया है, हमारे यहाँ पर नागपुर के एयरपोर्ट को बढ़ाने के लिए पैसा दिया है, मिहान में इन्वेस्टमेंट किया है। सो ये सारा प्रयास है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, जिसके निस्संदेह आगे जाकर रोजगार निर्मित होगी, लोगों का इनकम बढ़ेगा तो लोग स्पेंड भी करेंगे, सो अर्थव्यवस्था को गति देने वाला ये बजट। किसानों के लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, फिर वो सिंचाई योजना में प्रावधान हो या बीमा योजना में प्रावधान हो, किसानों को मद्देनजर रखते हुए बड़े पैमाने पर उनका जो कर्जा है उसको भी माफी देने का घोषणा इस बजट में है। सो किसानों के लिए भी बहुत अच्छा बजट ही माना जाएगा।